तो हमने पिछली कक्षा में एक नया पाठ शुरू किया था। उस पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। दोस्त मतलब कौन है? जिसका हमारा खून का संबंध नहीं होता है, पर हमारे लिए वह बहुत कुछ होता है, जिसे हम अपनी हर बात को सांसते हैं, मतलब शेयर करते हैं। वो भी अपनी हर बात को शेयर करता है और जब जरूरत पड़े तो हमारी मदद करता है। पोशाक का मतलब क्या है? जो हम हमारा शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोशाक कहते हैं। इसी को हिंदी में और एक भी कहते हैं, परिधान। तो अब यहां पर दोस्त की पोशाक मतलब यहां पर दोस्त के लिए दी हुई पोशाक, या दोस्त की पोशाक, दोस्त के पहनने के कपड़े। तो हमने देखा था कि पिछली कक्षा में नसरुद्दीन जी अपने घर में रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए उनका एक पुराना मित्र दोस्त जमाल साहब उनसे मिलने के लिए आता है। दोनों बहुत दिनों बाद मिलने से बहुत खुश होते हैं और बहुत देर तक दोनों मिलकर बातें करते रहते हैं। गपशप, मतलब रोहित डोंट मार्क एनीथिंग, एरेज इट, एरेज दैट मार्क, राइट। तो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और बातें करने के बाद में जमाल साहब से नसरुद्दीन कहता है, चलिए भाई अब हम अपने मोहल्ले में जाकर कुछ देर घूम कर आए, कुछ मित्रों से घूम कर आए। जैसे कहता है तो जमाल कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे जो पहने हुए कपड़े हैं ये बहुत पुराने हैं, कुछ खास नहीं दिख रहे। तो नसरुद्दीन कहता है, बस इतनी सी बात है? अरे इसके लिए काहे को ये कर रहे हो तुम, चलिए आइए मेरे पास, देखो इतनी सारी अचकने हैं, इसमें से जो सुंदर लगे तुमको वो तुम पहन लो। कहकर जमाल साहब को नसीरुद्दीन क्या करता है, अपनी एक भड़कीली मतलब क्या है, चमकदार, अच्छा लगने वाली एक अचकन निकालता है और निकालकर कहता है कि हे मित्र दोस्त, तुम ये पहन लो, पहन लेकर हम दोनों मिलकर मोहल्ले में घूमने के लिए जाएंगे। तो बेचारा जमाल साहब क्या करता है, उसके कपड़े थोड़े से शायद मैले थे या अच्छे नहीं थे, तो वो क्या करता है, नसीरुद्दीन की अचकन, अचकन मतलब क्या बेटा, एक प्रकार का ओवरकोट है या ऊपर पहनने वाला कपड़ा है, वो पहन लेता है। और पहनने के बाद में वो दोनों मोहल्ले में निकलते हैं। तो उनके बगल में ही, उनके नसीरुद्दीन के घर पर ही, घर के पास ही, पड़ोसी, पड़ोसी मतलब क्या बेटा, आसपास रहने वाले लोग, हमारे घरों के आसपास रहने वाले लोग, उनके पास जाता है और जाकर उनसे बातें करते हैं। इतने में क्या होता है कि बातों बातों में नसरुद्दीन कहता है कि अरे भाई ये मेरे एक खास दोस्त, दोस्त कैसा दोस्त, खास दोस्त बेटा, आपने देखा है किसी की भी, हम अब मान लीजिए एक लड़का है या एक पुस्तक है, उसको खास करके आप मान लीजिए मम्मी आपको बोलेगी बेटा ग्लास लाना, या मम्मी बोलेगी बेटा शर्ट लाना, तो आप क्या बोलते हैं, कौन सी शर्ट, लाल पीली लंबी बड्डे वाली या फूलों वाली लकीरों वाली, ऐसे कहते नहीं कहते हैं? अरे कहते नहीं कहते हैं? बेटा जाके उनसे शक्कर लाओ, किन से लाना, पड़ोसी वालों से या वो लंबे अंकल से या वो बगल में रहने वाली गोरी आंटी से, नहीं किससे, पूछते नहीं पूछते हैं, हाँ या नहीं? अरे मुंडी हिलाओ भाई, हाँ या नहीं? हाँ। अच्छा मम्मी बोलेगी मैं सब्जी बनाई हूं, आप तुरंत क्या पूछते हैं, मम्मी कौन सी सब्जी बनाई है आप, पूछते नहीं पूछते, गौरी डोंट मार्क एनीथिंग, गौरी फोर्थ ईयर, धनुष फोर्थ वीक, एरेजिक, आई सेड एरेजिक मा, हाँ दैट मार्क आल्सो, हाँ। तो ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अगर आप किसी की भी पहचान करवाने के लिए, मतलब गौतम हेरेजिक, बी गौतम, अरे ये क्या धंधा बना कर रखे हो भाई,
क्लास को सीधी तरह से होने नहीं देते आप। हाँ सुशांत नींद आ रही है, हाँ एक्टिव रहो। हाँ तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की विशेषता बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखिए एक बात बताओ, मेरे बाल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कैसे है? कैसे है? लाल है, ठीक है। पहले कैसे थे? काले थे। आपके कैसे हैं? काले हैं। आपके दादाजी के कैसे हैं? सफेद हैं। अच्छा और एक बात, आप दूध पीते हैं या चाय पीते हैं या बिस्कुट खाते हैं या फल खाते हैं, तो फल कैसा है तो आप क्या बोलते हैं? मीठा है, नहीं तो खट्टा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशेषण। यहां पर भी अचकन क्या है? एक वस्तु है, उसकी विशेषता किससे बता रहे हैं हम लोग? भड़कीली शब्द। कौन सा है? भड़कीली। ये क्या कहे? अचकन की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं बेटा? विशेषण। किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की कोई स्पेसिफिकेशन या उसकी खासियत बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, वही पहनने का है, वही सॉरी वही हमें जानने का है। ठीक है, ठीक है बेटा, राइट। चलिए आगे। तो तब वो उनके दोस्त के पास जाते हैं, जाकर जमाल साहब उनसे बात करते हैं, और जब दोनों बन ठन कर मतलब अच्छी तरह से तैयार होकर जब जाते हैं, और जाकर पड़ोसी के पास जाने के बाद में वो कहता है कि ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम जमाल साहब है, और ये मुझे मेरे पास कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है, बोलता है। क्या बोलता है? इन्होंने जो अचकन पहनी है वो किसकी है? मेरी है। कैसा गुस्सा आता है जमाल साहब को? किसी को भी आता है भाई, अरे भाई देखो दोस्त के पास गया, जाके उससे मिला, और वो मिलने के लिए जब जा रहा है तो वो उसके कपड़े अच्छे नहीं है बोले तो भी वो क्या करता है? उसे साथ में ले जाता है, और वो मना करने पर क्या कहता है? अपनी अचकन भी देता है, और दोस्त के पास जाकर क्या बोलता है? देखो ये मेरे दोस्त है, बहुत सारे दिनों बाद मिले हैं, और इसने जो अचकन दे रही है वो किसकी है? मेरी है। तो क्या हो जाता है? से हवा निकल जाती है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं भाई? अगर कोई भी व्यक्ति अगर बोलेगा इसने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे हैं, बोले तो क्या हो जाएगा? हमारी हवा निकल जाती है, मतलब इज्जत निकल जाना या बुरा लगना। किसको लगा ऐसे? जमाल साहब को लगा। अब जमाल साहब रूठ गए। देखिए यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ो पानी पड़ गया। घड़ो पानी पड़ना मतलब घड़ों से पानी पड़ना नहीं है, घड़े में से पानी पड़ना नहीं है, बहुत ही शर्मिंदा होना। घड़ो पानी पड़ना मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। नोट करो बेटा, ये इसको मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ो पानी पड़ना मतलब घड़े से पानी पड़ना नहीं है, वास्तव में एक मीनिंग भी है इसका, मतलब घड़े से अगर सडनली हमारे ऊपर पानी पड़ेगा तो हम क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे, मतलब वहां पर वो अर्थ नहीं आएगा, इसका अर्थ आएगा बहुत ही शर्मा जाना। कौन शर्मा गए यहां पर? कार्तिका, क्या खा रही हो? कार्तिका नहीं खाते हैं, समझे? आया समझ में? ठीक। तो देखिए कि यहां पर घड़ो पानी पड़ने में बहुत ही शर्मा गया। कौन शर्मा गया? जमाल। आगे तुम देखिए, अब इतने में उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। देखिए उतने में उसने कहा, अगर मान लीजिए आपके बर्थडे है, आपके बर्थडे के दिन आपने मान लीजिए आपके पापा नई शर्ट नहीं लाए, और आपको आपके भाई की या बहन का ड्रेस दिया गया, पोशाक दी गई, और
सब बर्थडे हो गया, आप हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं, तो देखो मेरा भाई कितना अच्छा लग रहा है, मेरी बहन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना, उसकी जो शेड है वो मेरी है, वो बोलेगा तो कैसा हो जाएगा, हमारी हवा निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? अरे भाई हाँ या नहीं? हाँ। अरे हमारी तो सबके सामने इंसल्ट फील होते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो बिल्कुल उसी तरह से जमाल साहब भी क्या हो गए, बहुत शर्मिंदा हो गए, और उन्होंने कहा देखिए तुम्हारी कैसी अक्ल है कि यह बताना जरूरी था कि अजगर तुम्हारी है। कौन बोले? जमाल साहब। किससे बोले? नसीरुद्दीन से बोले। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अरे यार तुमने क्या कर दिया, मेरी तो इज्जत निकाल दी। अरे बोलना था तो दोस्त है, वो है बोलना, ये अजगर के बारे में क्यों बोलना? अरे वो क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। आगे ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया है, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए गो नेक्स्ट पेज राइट। देखिए यहां पर देखिए ये बाहर आ गया और ये बोल रहे हैं। आगे देखिए नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, अरे भाई अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, एक्सक्यूज मी सॉरी, मेरी गलती हो गई यार, अरे अरे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। उन्होंने क्या कहा? अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा। आगे देखिए आइज़क सैमुएल कुछ नहीं करेंगे आप, आइज़क सैमुएल इरेज इट, स्क्रीन पर इरेज करो उसे, आइज़क सैमुएल आगे। हाँ, अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब कौन है? उनके दूसरे पड़ोसी हैं। दूसरे पड़ोसी बोल दो, क्या पड़ोसी मतलब एक ही रहता है, एक ही रहता है पड़ोसी? नहीं, हमारे मोहल्ले में जितने भी घर होते हैं वो सब पड़ोसी कहलाते हैं। ये कौन है भाई, ये लड़का स्क्रीन पर मार कर रहा है, एरेजिक, क्या बच्चे हैं भाई, तो बात हाँ देखिए आगे। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। विश्वनाथ, विश्वंत, हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, मतलब कोई अतिथि आता है तो क्या करते हैं हम लोग, नमस्कार, बैठिए, क्या लेंगे आप, गर्म लेंगे या ठंडा लेंगे, मीठा लेंगे या खारा लेंगे, हम पूछते हैं नहीं पूछते हैं आपको, टी विश्वंत। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अजकन पहनी है वह उनकी अपनी ही है। देखिए कहां पर गए, हुसैन साहब के पास गए, हुसैन साहब के पास जाकर भी क्या बोले, नमस्ते, ये मेरे पुराने रोहित, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने जो अजकन पहनी है वह किसकी है, इनकी अपनी है, अपनी मतलब मेरी नहीं, ये उन्हीं की है। अब देखिए आपके बर्थडे के दिन आपका दोस्त बोलेगा, अरे भाई ये मेरा, आज मेरे भाई का बर्थडे है, इसने जो शर्ट पहनी ये उसी की है, तो क्या लगेगा हमको, डाउट आएगा नहीं आएगा? अरे जिसके बारे में नहीं पूछना चाहिए उसके बारे में कोई बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, दाल में कुछ काला है, दाल में काला होना मतलब क्या है, एक मुहावरा है, मतलब कुछ गड़बड़ी होना है। ठीक है आगे नेक्स्ट। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, देखिए अब इतना गुस्सा है, अरे झूठ किसने बोलने के लिए कहा तुमसे, अरे भाई गए उनके पास, वो अच्छा बात कर रहे थे, मेरी फिर बाद में इसी के बारे में बोलने क्या जरूरत है अजकन के बारे में, अरे क्या बोलना भाई तुमको, थोड़ा भी नहीं है। मगर नसीरुद्दीन जी जो है ये थोड़े मजाकिया है, क्या है मजाकिया, आपके दोस्तों में भी कुछ दोस्त होते हैं हमेशा छोटी छोटी बातों में मजाक करते रहते हैं, हाँ या नहीं? अरे भाई आपके दोस्त नहीं है कोई जो छोटी छोटी बातों में मजाक करते रहते हैं, मजाक करना मतलब आपसे हंसाते रहते हैं, देखा है नहीं देखा है, नहीं रहते दोस्त, थोड़े यूं करते हैं, कोई जानबूझ के किसी को ये करते रहता है, नहीं है?
राइट आगे क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, अरे भाई झूठ क्यों नहीं बोला? अरे वहां पर मैं बोला कि ये शर्ट मेरी है, तो भी तुमको गुस्सा आया। यहां पर हमारे दोस्त के पास गए हुसैन के पास, तो तुमने कहा कि तुम्हारी है, ये बोल रहे मेरी गलती है क्या है? क्या बोलते हो यार? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। देखिए तुम तब मैं बोला था कि ये अचकन मेरी है, तो तुमने कहा कि ऐसा नहीं बोलना है। अब मैं बोला कि ये तुम्हारी है। दीक्षित क्या कर रहे हो? मुख्य हाँ यू 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 क्या कर रहे हो? नहीं करना बेटा, कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लास, ठीक है? ओके दीक्षित, यार दीक्षित, हाँ राइट। तो उन्होंने कहा पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? अरे ये जरूरी है रे भाई, ये मेरी शर्ट है, इसके बारे में बोलना जरूरी है? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हें किसी ने पूछा ये अचकन के बारे में? अरे अचकन किसकी है, क्या है, किसी ने पूछा है? कुछ नहीं पूछा, इसीलिए कुछ नहीं बोलना अचकन के बारे में, ठीक है? रोहित 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 जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। इतने में क्या हुआ कि वो दोनों वहां से निकले और थोड़ा सा आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद में और एक पड़ोसी मिले। अरे भाई मोहल्ले में पड़ोसी आते जाते रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो वैसे ही वहां पर और एक पड़ोसी मिल गए रास्ते में। रास्ते मिलना मतलब हम चलते जाते हैं तो कोई ना कोई मिल जाना, कभी कभी मिलते हैं नहीं मिलते हैं। रोहित ये लड़का कौन है भाई है? आगे नेक्स्ट। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। तो रास्ते में जब मित्र मिले हैं तो उसने क्या किया, उनसे उनका परिचय करवाया। किसके किससे परिचय करवाया? पड़ोसी से जमाल साहब का परिचय करवाया। मतलब कि देखिए जमाल साहब हैं और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये मुझसे मिलने के लिए यहां पर आए हैं ऐसे, और शायद उनका भी परिचय उन्होंने जमाल साहब को दिया। आगे देखिए, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखिए वहां पर भी क्या कर दिए, क्या बोले उससे? अरे भाई उनसे परिचय करवाया बाद में क्या बोले? ये जमाल साहब हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं छुपी रहूं तो अच्छा है। देखिए पहले बोले ये शर्ट मेरी है, अब बोले उसकी है, अब क्या बोल रहे ये शर्ट के बारे में मुझे ना पूछे तो ही अच्छा है, ऐसा कहा। गौतम भी गौतम एरेज तो ऐसा कहा, मतलब उनको क्या लगा, उनकी इज्जत निकल गई ऐसा लगा उनको। किसको? जमाल साहब। ठीक है बेटा, समझ में आया पाठ?